ओ काला कुरता ते काली कारनी विच बैठे बेली मित्रा दे यारनी ओ इच गल ते लोडिड हथियारनी ओ प्रीत गावे तेरा बीट तलवार दी ओ ये जिम वाले छोरे इनके अलग है टोरे 16 इंची है डोले ये है गुजरे के छोरे गुजर मेरे यार 3 4 5 खास 4 5 की ना बेटे रीस होवेगी भाई मेरे तगड़े सॉल्व कर दे सै रगड़े तेरी बंदी भी गुजरा की फैन होवेगी। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है प्रीत नागर। प्रीत नागर हरियाणवी एक्टर हैं और सिंगर हैं। आप हरियाणवी क्षेत्र में बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम उनकी जीवन यात्रा और उनका जो एक्टिंग का सफ़र है, उन सब बातों पर आज उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। तो आइए बात करते हैं प्रीत नागर जी से। नागर साहब नमस्कार, नमस्कार जी सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत फर्स्ट क्लास। जी। हरियाणवी इंडस्ट्री में आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं धन्यवाद। और आपकी सिंगिंग और एक्टिंग दोनों को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो प्रीत नागर साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं हमारे हरियाणा में फरीदाबाद शहर है जी, जिसमें नीम का गांव है तो वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, नीम का गांव है आपका? हाँ जी ओके, तो बड़ा गांव है आपका तो। हाँ जी, काफ़ी बड़ा गांव है अपने तो आपकी एजुकेशन क्या है? जी। मैं 12th पास हूँ मेडिकल साइंस से। अच्छा, मेडिकल साइंस से। हाँ जी, मतलब मेडिकल साइंस क्या पीसीए भी बोलते हैं उसको नहीं या? बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री। हाँ पीसी। आप पीसीए भी हो गई ना, हाँ शॉर्ट जी फॉर्म उसकी। तो 12th किया है आपने। अच्छा, जी। आगे की एजुकेशन? आगे का जो काम था वो मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में जो है टोटली घुस गया हूँ और इसी अच्छा, में मेरा जो काम है वो जारी है तो आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? जी। मैं 6th क्लास तक अपने इसी गांव में सी पब्लिक स्कूल है उसमें पढ़ा था। उसके बाद हमारे फादर की डेथ हो गई थी तो अच्छा। हमारे भाई है बड़े संदीप नागर, उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया था। तो हॉस्टल का नाम है सत्यु दर्शन विद्यालय जो कि काफ़ी बड़ा है हॉस्टल और काफ़ी अच्छा कैंपस है उसका। तो कहाँ है? ये सत्यु दर्शन भोपानी लालपुर रोड फरीदाबाद में ही। अच्छा, फरीदाबाद में ही हाँ है। जी ओके, तो ये कोई सीबीएसई का स्कूल है जी क्या? CBSE का स्कूल है, काफ़ी बड़ा कैंपस है उसका। तो आप 6 के बाद वहाँ आपने हाँ कंटिन्यू जी, किया, कंप्लीट पढ़ाई वहीं पे तो हुई है। 12th तक आप वहाँ पढ़ के आए। हाँ जी सर। अच्छा, 12th कौन से ईयर में किया आपने? ये हमने करी थी जी आज से हो गए 4 साल कम। 4 साल हो गए। तो जब 12th आप कर रहे थे तो उसी टाइम ये एक्टिंग वाला जो सिस्टम है वो तभी दिमाग में आया या कैसे, क्या था? ये मेरे 10th क्लास की बात है तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था नितिन चंदीला जो कि सत्यु दर्शन में मेरे साथ पढ़ता था। तो उसका भाई था अंकल का लड़का पुनीत चंदीला, अच्छा, तो वो गाने वाने वक्त बनाते थे। तो हम मेरा काम था कि एक क्लास में एक लड़का होता है कि भाई कॉपी के पीछे कुछ भी लिख देना, शायरी वगैरह कर देना, ऐसे करता था मैं। ठीक है, वैसे ही कुछ यार दोस्तों को हंसाने के लिए। बाकी पढ़ाई में मन था मेरा पहले से स्टार्टिंग से, तो डॉक्टर बनने की घर वाले भी बोलते थे कि तू डॉक्टर बनेगा और उसकी पढ़ाई कर, मेरा भी वही मन था। लेकिन मेन चीज़ ये हुई कि नितिन ने मुझसे बोला कि मेरा भाई है पुनीत, गाने वगैरह बनाता है, उसका गाना आ रहा भी है टाइम मेरा तो काफ़ी अच्छा है वो है। मैं कहा भाई चले यार एक बार मिले ही हो अब की बार छुट्टी में, तो हम उससे छुट्टियों में मिले थे। तो तब से उस लड़के ने मुझसे वो मिला पुनीत और उसने बोला कि भाई तू मेरे साथ एक गाना कर ले, तू लिखता है, नितिन बता रहा था तू शायरी बहुत बढ़िया लिखता अच्छा, है, तो तू रैप। राइटिंग भी करते हो? हाँ जी अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तू रैप कर लियो और मैं सिंगिंग कर लूँगा क्योंकि मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी भारी है। तो अच्छा, रैप के मामले में उसने बोला कि तू रैप करियो, मेरे जो है सिंगिंग कर लूँगा। तो मैंने ऐसे ही एक दिन पहले रैप लिख दिया था, पार्टी सॉन्ग था तो उसमें रैप लिख के और मैं ऐसे ही चला गया था कि चल ले भाई ये रहा। तो मतलब इतना वो नहीं था कि भाई हाँ भी करना ही करना है, एक वैसी मज़े मज़े में सारा काम कर दिया। लेकिन जब वो गाना कंप्लीट होके आया और एक वीडियो बन के उसकी तैयार होके कंप्लीट बाहर आई तो जब वो रिलीज़ हो गया था तो 1 दिन 2 दिन के अंदर 20,000 व्यूज़ ले गया था। तो
काफी लोग बोलने लगे भाई गाना बना रहा है गाना, एक होता है ना कि भाई काफी तारीफ मिल रही है, क्रेज था बच्चों में, साथ के लड़कों और तू तो बड़े अच्छे हो भाई गाने बनाने लग गया ये वो, तो एक वाहवाही जो हुई थी उसे देख के बड़ा मजा आया कि यार मतलब इस लाइन में कुछ तो बात है। तो मतलब फिर आपका जो है एजुकेशन की तरफ से आपने मूव करने का सोच लिया? हाँ जी, मतलब सोचा क्या वो तो ऑटोमेटिक ही हो गया, क्यों, क्योंकि उसके बाद टेंथ के बाद जब टेंथ में ये गाना आया था हमारा, तो उसके बाद इलेवंथ में फिर हमने एक देसी दी निशानी गाना है हमारा जो कि सोनाटेक पे आज भी पड़ा हुआ है ऑडियो के साथ, पंजाबी सॉन्ग था तो वो करा था। उसके बाद फिर ऐसी मन इसी में हो गया कि कम्प्लीटली कि भाई इसी में काम करना है। तो घर में कौन कौन लोग हैं? जी मेरे घर में मेरी माता जी हैं और दो बड़े भाई हैं, भाभी है। अच्छा, सिस्टर नहीं है? नहीं सिस्टर नहीं है और फादर भी नहीं है। तो फादर क्या आपको प्रॉब्लम थी उनको या कैसे? नहीं वो बीमार हो गए थे, उनको एक काला पीलिया होता है। अच्छा। हाँ तो उसकी वजह से आज से 12 साल पहले। अच्छा, 12 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। तो भाई वगैरह क्या करते हैं? जी बड़े भाई है हमारे, वो बिल्डर का काम है उनका, फाइनेंस वगैरह का, और अपना काम वही किराएदारी का। अच्छा, और दोनों भाई उसी को करते हैं? हाँ जी। ओके, और आप जो है टोटली एक्टिंग में, अपना एक्टिंग और सिंगिंग में? हाँ जी कार्य कर रहे हैं। तो मदर तो हाउस वाइफ ही होंगी? हाँ जी मदर हाउस वाइफ है हमारी। ओके, तो नीम का जो गांव है आपका जी, यहाँ अभी हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ वहाँ डेवलपमेंट है जी, तो खेती वेती तो आपकी बची नहीं होगी यहाँ? जी नहीं, यहाँ पे लगभग 2004 से 5 में जब मैं बहुत छोटा था तब हमारे फादर भी थे, तब यहाँ से जितने भी हमारे खेत थे वो बिक गए, तो उसके बाद यहाँ से जो भी हमारा जो पैसा वैसा मिला था यहाँ से हमने बाहर ले लिए है जो भी अपनी जमीन जायदाद लेते हैं। अच्छा, कहीं और दूसरे क्षेत्र में आपने ले लिया? हाँ जी। तो वहाँ खेती वेती हो रही है, चल रहा है? हाँ जी वहाँ खेती वेती है। अच्छा, मतलब फादर वगैरह तो पहले एग्रीकल्चर से एसोसिएट थे? हाँ जी, जमींदार आदमी थे, उसी से जुड़े हुए थे जी। भाई वगैरह अपना बिजनेस करने लगे हैं? हाँ जी वो बिजनेस वगैरह करते हैं अपना। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो मदर आपकी हाउस वाइफ है, वो अपना घर का काम करती हैं। तो अभी जो आपकी शुरुआत तो आपने बता दिया 12th से हुई, तो प्रोफेशनली आप कब आए इस क्षेत्र में? प्रोफेशनली 11 मई 2018 को मेरा गाना आया था, मतलब उससे पहले गाने आए थे लेकिन पहचान नहीं बन पाई थी एक। अच्छा। हाँ लेकिन गाना आया था हरियाणवी कल्चर यूट्यूब चैनल पे जो कि सुशील बैसोया का चैनल। अच्छा। है तो वहाँ पे गुजर जिम वाले, तो वो गाना हमने लिखा था और हमने ही गाया था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था उस गाने का, लगभग 18 घंटे में वो 20 से 25 हज़ार व्यूज़ ले गया था, और टिकटॉक पे रील्स, मतलब टिकटॉक का जमाना था वो, तो टिकटॉक पे काफ़ी अच्छी उसकी वो वीडियोस बनी थी। हमें उस बारे में नॉलेज नहीं थी कि टिकटॉक पे अकाउंट वगैरह बनाना, लेकिन वो ऑटोमेटिक ही सुशील भाई ने डाल दिया था वहाँ पे और वो उस पे टिकटॉक बन गई थी काफ़ी, तो हमें तो बाद में टिकटॉक इंस्टॉल किया था। पहला आपका कौन सा गाना है जो आपने लिखा हो और उसको फिर गाया हो? जी सबसे पहला गाना हमारा देसी दी निशानी है जो हमने गाया था, एक रैप तो उससे पहले कर दिया था लेकिन जो असलियत में गाया था सोनाटेक यूट्यूब चैनल पे है। तो उसके कुछ बोल हमारे व्यूअर्स को आप सुनाएंगे? जी बिल्कुल। ओ काला कुर्ता ते काली कारनी विच बैठे बेली मित्रा दे यारनी ओ इच गल ते लोडिड हथियारनी ओ प्रीत गावे तेरा बीट तलवार दी। ऐसे पंजाबी? हाँ जी। अच्छा। पंजाबी सॉन्ग था। अच्छा, पंजाबी भी आप गा लेते हैं? मतलब जी बिल्कुल, लिख भी लेते हैं और गा भी लेते हैं। अरे वेरी गुड। अच्छा, हरियाणवी सॉन्ग कौन सा था आपका पहला? जी हमारा हरियाणवी सॉन्ग जो है गुजर जिम वाले था। अच्छा। जो अपने समाज के लिए ही मैंने मतलब काम किया था। अच्छा, तो वो गाना आपने गाया था? जी हम। राइटिंग भी आपने की थी? जी बिल्कुल, उसमें एक्टिंग भी और राइटिंग। और उसकी कुछ बोल सुनाइए। जी वो ऐसे था, वो ये जिम वाले छोरे इनके अलग है टोरे, 16 इंची है डोले, ये है गुजर के छोरे, गुजर मेरे यार 3-4-5 खास, 4-5 की ना बेटे रीस होवेगी, भाई मेरे तगड़े सॉल्व कर दे से रगड़े, तेरी बंदी भी गुजरा की फैन होवेगी। अच्छा, ऐसा तो ये आपका हरियाणवी पहला गाना था? जी बिल्कुल, और ये तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स था इसका। अच्छा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। चलो अच्छा है। तो बचपन की परिस्थितियां कैसी रही? फादर भी अपना जल्दी चले गए, तो भाइयों ने आपको ठीक प्यार दिया या कुछ थोड़ा फादर के जाने के बाद परेशानियां हुई? नहीं, बात की जाए, भाई है हमारे बड़े,
वो एकदम मतलब कहते ना कि फादर की तरह उन्होंने एकदम कि भाई हाँ एक बच्चे की तरह रखा था कि भाई हाँ ये मेरा छोटा है, सब में सबसे छोटा है, प्यार दिया है, उससे छोटे भाई है प्रदीप नागर, तो उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया, मतलब फैमिली। तो घर में आपके पिताजी के भाई वगैरह कितने भाई हैं पिताजी? हमारे पिताजी और दो भाई हैं, एक हमारे अंकल है लक्ष्मीचंद। तो छोटे हैं आपके फादर से? वो अंकल हमारे, दो भाई थे। वो भी गांव में ही रहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो भाइयों ने आपको खूब प्यार दिया है सही पढ़ाने लिखाने में हर चीज में? जी बिल्कुल, सभी ने बहुत सपोर्ट किया था पढ़ाने लिखाने में। मतलब बचपन में किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। तो जब आप 12th के बाद एक्टिंग की तरफ अपना ध्यान दे रहे थे, सिंगिंग की तरफ, तो भाइयों का और मदर का आपका क्या रेस्पॉन्स था आपके प्रति? म्यूजिक लाइन में अगर बात करी जाए तो मेरी नहीं, वो सभी की एक स्थिति होती है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते इस लाइन में, कि उनको लगता है कि इसमें कुछ फ्यूचर मतलब आगे कुछ है नहीं, भविष्य नहीं है। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई थी कि भाई नहीं, इस लाइन में नहीं है, मतलब तू डॉक्टर बन। अच्छा, तू पढ़। अच्छा, डॉक्टर आपको बनाना चाहते थे? जी। तो फिर उसके बाद क्या नाम है, मैंने खुद नहीं करा था, जो भी कुछ है मैं इधर से उधर से पैसे जोड़ना, यार दोस्तों के साथ मतलब खुद ही सेटलमेंट करना, तो वो सारी चीज़ें खुद हुई थी। म्यूजिक लाइन से रिलेटेड उन्होंने इतनी सपोर्ट नहीं करी थी, बाकी वैसे पढ़ाई से रिलेटेड और हर चीज़ से रिलेटेड काफ़ी सपोर्ट किया है, प्यार दिया। वो आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे? जी बिल्कुल। और आप बन गए संगीतकार और एक्टर हैं? जी बिल्कुल। नहीं, लाइफ में ये अच्छा डिसीजन है कि लाइफ में आप जो करना चाहते हैं ना, अगर वो ही करते हैं तो उसमें आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है और आप उसको एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब क्या करना चाहते थे? जी करना क्या चाहता था, बनना तो मैं चाहता था संगीतकार। हाँ जी। पर बन गया डॉक्टर। हाँ। तो वो टीस ना पूरी जिंदगी लोगों के बीच में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। मन में कहीं ना कहीं रहती है, और अगर आप जो काम चाहते हैं अगर वो आपने कर लिया तो फिर आप ना बड़े मन से शांत हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपने अपनी चॉइस का काम चुना और आप उसी पे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और भाइयों ने, घर परिवार में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन छोटा होने का भी आपको क्रेडिट मिल गया होगा कि भाई चलो छोटा भाई है, नहीं मान रहा, करने दो इसको। हाँ जी, ऐसा ही हुआ होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। आज की क्या परिस्थितियाँ हैं अभी? आज की परिस्थिति यह है कि काफ़ी अच्छा चल रहा है काम। नहीं, घर वाले क्या मतलब क्या सोचते हैं अभी, भाई वगैरह मदर क्या कहती हैं? अभी सब, अभी जो फिलहाल का टाइम, अभी तो मुझे लग रहा है आपके 10-15 गाने शायद मार्केट में। कितने गाने? 13 से 14 गाने आए हैं मेरे। अच्छा, तो सभी का अच्छा रेस्पॉन्स रहा है? हाँ, इनमें से 4 गाने मेरे अच्छे रहे हैं। अच्छा, 4 गाने अच्छे रहे। हाँ जी। तो अभी भाइयों का क्या कहना है, क्या सोचना है? अभी सब मतलब काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, और फिर मतलब उनके भी यार दोस्त है, वो बोलते हैं कि भाई तेरा भाई है, बात करवा, वीडियो कॉल कर, ये फोटो खिंचवा। अच्छा। मतलब काफ़ी भाई भी और फैमिली वाले भी और जो रिश्तेदार है उनका भी यही है। मतलब अब जो आपके फैन बन गए हैं आपके गाने सुन सुनकर, जी उनकी रेस्पॉन्स को देखकर घर वालों का जो एटीट्यूड है या जो थॉट है वो भी चेंज हुआ है? जी बिल्कुल। और दूसरी बात, उनका कहना था कि भाई इसमें कुछ मनी पैसा फाइनेंशियल जो चीज़ होती है वो नहीं है, इसमें कोई भविष्य नहीं है। तो अभी फिलहाल जैसे होता है कि भाई हाँ ठीक है, अपने लिए कमा रहा है, ठीक कमा रहा है, तो बस अब इस वजह से सब खुश है मतलब। चलो अच्छा है। तो अभी आपके जो गाने भी, लेटेस्ट को गाना आपने किया है? जी, हमारा जो लेटेस्ट गाना अभी जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, वो है हमारा मूंड गरम। मूंड गरम? जी। अच्छा, तो इसके क्या लिरिक्स हैं, कैसे, कुछ सुनाओ जरा व्यूअर्स को। ये क्या नाम है, गाया तो है ज्ञानेंद्र जी ने, लेकिन लिखा मैंने था और म्यूजिक टोनी भाई का था। तो अच्छा। इसमें एक लाइन काफी चल रही है जो वायरल है। अच्छा। वो है, हो दबता कोन्या शेर अकेला, सौ कुत्ते पाछे भौंक कैसे। अच्छा, ज्ञानेंद्र भाई ने गाया है? जी। राइटिंग आपने की है? जी। अच्छा, क्या थोड़ा सुनाओ उसका क्या है? वो ये था कि हो दबता कोन्या शेर अकेला, सौ कुत्ते पाछे भौंक कैसे, कर दिया सिस्टम खत्म सारों का, जो रास्ता हमारा रोक कैसे। अच्छा जी। अरे ये मतलब बड़े स्टाइलिश गाने लिख रहे हो आजकल आप हैं। जी वो बस। अच्छा, तो आपका कौन सा गाने हैं जो 3-4 आपने बताए हैं जो हिट हुए हैं, उसमें से कुछ सुनाइए। मेरा सबसे पहला गाना यही हिट हुआ था जो है देसी दी निशानी के बाद, गुजर जिम वाले। अच्छा। वो जो मैंने आपको, उसके बाद, उसके बाद बब्बर शेर था हमारा। उसका क्या था? उसका वो ऐसे था कुछ कि हो निकले है गुजर ब्रांड बन के,
काली गाड़ी भीतर ये तो शेर बन के हो ठोकने लगी है सलाम दुनिया, हो गुजर दिल के दिलेर है सारे बब्बर शेर, टैम देख बेटा तू वैम पाड़िए। ऐसे अच्छा, था गाना। मतलब आपके जो लिरिक्स हैं वो बिल्कुल अलग, एक अलग ही उसमें है जॉन में। जी बिल्कुल, हमारे माफिया जॉन ज्यादा पसंद है। माफिया जॉन ज्यादा पसंद कर रहे हैं जी। अच्छा, अभी आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, अभी क्या है, क्योंकि अभी तो आपको एक्टिंग करते हुए भी 4-5 साल हो गए, आप सिंगिंग भी कर रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया होगा जी। क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप नए होते हैं तो चीज़ें अलग होती हैं जी। जब आपको आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस होता है तो बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। हाँ जी, तो अभी आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है? फ्यूचर प्लानिंग यही है कि हम अपने जो व्यूवर्स हैं हमारे, उनको काफ़ी अच्छी चीज़ें, जो बिल्कुल हटके एक थीम होती है कि भाई वो सिंगर और राइटर ऐसी चीज़ दे रहा है, ऐसी चीज़ दे रहा है, तो हमारा जो हमें पहचान जो बनानी है वो ऐसी बनानी है जैसे हमने अभी मूड गरम गाने से बनाई थी। माफिया गाने सभी दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो थीम थी ना वो बिल्कुल एक देहाती, जो हम है गुजर है, ठीक है, तो हमारी जो चीज़ है कि भाई एक बोल चाल जो हमारी है हम उसी तरीके से देंगे गाने, थीम भी बिल्कुल उसी तरीके से। जो अपना कल्चर है, हाँ जी, क्षेत्रीय लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज को आप प्रमोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम हरियाणवी के साथ साथ अपने गुजर समाज को भी। एक्चुअली ये हरियाणवी क्या है ना, ये आप लोग जहाँ रहते हैं ना जी, ये एक बॉर्डर का क्षेत्र है, यहाँ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, 4 स्टेट्स के बॉर्डर हैं जी। और बॉर्डर होने की वजह से जो एरिया आसपास का है वहाँ की जो लैंग्वेज है, चाहे वो यूपी की हो या दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, वो तीनों स्टेट्स की लैंग्वेज लगभग आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं उनकी एक जैसी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोगों की जो लैंग्वेज है उसको हरियाणवी लैंग्वेज ही बोला जाता है। हाँ, एक तरीके से हरियाणवी होती है। हाँ, लेकिन वो टच जो है वो देहाती वाला। हाँ, वो हरियाणवी देहाती तो है वो भी, वो बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके का है। तो अभी आप आगे जो है सॉन्ग्स, कुछ वेब सीरीज या शॉर्ट मूवी इस टाइप का भी कुछ करना चाह रहे हैं? इस बारे में हमारा कोई सोचना नहीं। हम, मेरा मानना ये है कि कभी भी बंदे को अपनी लाइन नहीं छोड़नी चाहिए जिसमें वो है, ठीक है, उसी पे चलना चाहिए, एक अच्छी चीज देनी चाहिए। मतलब आप राइटिंग और सिंगिंग में ही आगे बढ़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल। और एक्टिंग जी तो आप कर ही रहे हैं? बिल्कुल। तो आपको अच्छा प्यार मिल रहा है अभी, जो आपके व्यूवर्स हैं, जो लोग आपको पसंद करते हैं, बाहर निकलते होंगे तो लोग रेस्पॉन्स तो मिलता है, काफी अच्छा प्यार है। मतलब सोचा नहीं था ये गाना जब रिलीज करा था, मैं ये सोच रहा था कि पहले की तरह ऐसे ही गाना रह जाएगा, बट कोई नहीं, हार नहीं माननी चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि हार नहीं माननी चाहिए, चीज चलो ना चलो एक दिन जरूर, सबका टाइम आता है कुछ टाइम के लिए, तो उसमें सब कुछ करके दिखाना होता है। तो एक्ट्रेस कौन कौन रही है आपके साथ जनरली इस गाने में? हमारा जो है मूड गरम में कवि संधू है फ्रॉम चंडीगढ़। अच्छा, तो काफी अच्छी मॉडल है, इन्फ्लुएंसर है वो। अच्छा, तो हाँ, वो इंस्टाग्राम पे काफी फेमस है, उसके उनके 1.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, तो काफी अच्छा है। और हमारे प्रिंस भाई है जो डायरेक्टर है, एडिटर है, वो काफी सपोर्ट करते हैं। मतलब अच्छा, हाँ, मतलब टीम का सपोर्ट तो होता ही है। गुजर जाट के टाइम पे मतलब जेब में पैसा नहीं था। अच्छा, ठीक है, और ऑडियो करवा ली थी। ये गुजर जाट वाला जो सॉन्ग है इसकी राइटिंग आपने की थी? जी हाँ, गाया ज्ञानेंद्र भाई ने। जी गाया ज्ञानेंद्र सरदाना ने। हाँ जी, जो प्रहलादपुर से है, और लिखा ही हमने ही था, एक्टिंग भी हमने करी। अच्छा, एक्टिंग भी आपने की जी। तो ये जाट गुजर का कॉम्बिनेशन मतलब कैसा आया दिमाग में? ये ऐसे ही आया था कि हमारा जो रौब है गुजरों का, वही सेम चीज हमें जाटों में दिखती है। मतलब है तो सारे अपने ही भाई, जाट, गुजर, राजपूत सब, लेकिन एक जो रौब होता है कि भाई एक माँ के दो भाई, तो जाट और गुजर, वो वाली बात हमें लगी थी। मतलब जाटों का कल्चर कुछ आपको लगता है गुजरों जैसा है? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली चीज वही दिखती है। अच्छा, चलिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया। आपके जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मेरा यही कहना है कि भाइयों, कोई भी काम है उसमें लगे रहो, और अपनी मनपसंद का करो कोई भी काम है, ठीक है, और गलत रास्ते पे चलना ये एक बहुत बड़ी भूल है जो आजकल लोग बाग क्या कर रहे हैं, गाड़ियां लेते हैं बड़ी बड़ी, और पापा का पैसा होता है उसे उड़ाते हैं, खूब बढ़िया बेस ट्यूब लगवाए, धूं धूं धूं, तो भाई ये चीज़ कुछ ज़्यादा दिन नहीं चलती, इससे घर बर्बाद होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी काम करो उसे अड़के के लगे रहो, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ये हमारा मानना है। चलिए, बहुत बढ़िया। रेपुटेशन मीडिया हमारा जो चैनल है जिसके माध्यम से हम आप जैसी जो आइकॉनिक हस्तियां हैं उनको
आपके जो व्यूवर्स हैं, आपको जो प्यार करने वाले लोग हैं उनके बीच में ले जाते हैं, तो हमारे चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अपने बड़े भाई हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और जो है ये काफ़ी अच्छा, मतलब सभी लोगों से आपको रूबरू कराते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने आगे यार दोस्तों के पास भी उसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो है देख सके। सबकी जीवन की जो स्थिति होती है, एक यात्रा होती है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए खैर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो आपकी लाइफ की जो जर्नी है आपने बताई, आपको भाइयों का, चाचा, फैमिली का बड़ा प्यार मिला और ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। बिल्कुल, और आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ थे प्रीत नागर। आप हरियाणवी इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही आशा है हमें कि आप निरंतर बढ़ते रहेंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार। नमस्कार जी।